हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त बिप्लब। आप देख रहे हैं अभी बिप्लब टेक्नोलॉजी चैनल। ठीक है, आज के वीडियो जो भी नया यूट्यूबर है, नहीं तो जो अभी यूट्यूब में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग सिर्फ यूट्यूब में आने का सोचते हैं तो हम लोग का दिमाग में ये बात हमेशा रहता है, हम लोग का यूट्यूब में आने के बाद हम लोग को अच्छा एक स्मार्टफोन चाहिए, नहीं तो अच्छा एक कैमरा चाहिए, नहीं तो अच्छा एक माइक चाहिए। वो हमेशा हम सभी के दिमाग में ये बात रहता है। इसलिए मैं आप लोगों के बजट के हिसाब से टॉप 5 बहुत ही मजेदार मोबाइल लेके आ चुका हूँ। देखिए, इस मोबाइल का खास बात क्या है, इस मोबाइल में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसमें आपको प्रोसेसर भी बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाएगा। कौन सा मोबाइल है, क्या क्या फीचर्स है, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद आपको थोड़ी सी यूजफुल और एनर्जेटिक लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। क्योंकि देखिए, आप लोग एक लाइक करने से हम सभी यूट्यूबर को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलते हैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। इसलिए आप लोग सभी यूट्यूबर के वीडियो को लाइक करते रहना, और आप लोग मेरा चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा देना। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो को देख सकते हो। और आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम आईडी पे भी एक्टिव रहता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, देखिए इस लिस्ट में जो पहला मोबाइल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको रियलमी के तरफ से, जो कि आपको रियलमी नार्जो 20 प्रो। ठीक है, इसका तो डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और उसको तो बैक साइड में आप लोग को क्वाइट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन कैमरा आप लोग को देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। उसके साथ आप लोग को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और उसका जो सेल्फी में आप लोग को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं उसका प्रोसेसर को लेकर। ठीक है, इसका जो प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मीडिया टेक हेलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा इस मोबाइल पे। और अभी बात करते हैं उसका बैटरी को लेकर। ठीक है, इसका जो बैटरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं उसका रैम और उसका प्राइस को लेकर। ठीक है, इसमें आप लोगों को 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस आप लोग को देखने को मिल जाएगा 13,499 रुपीज। और अभी बात करते हैं आपको सेकंड नंबर मोबाइल के, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी F41। और इसका जो डिस्प्ले आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और हम सभी को पता है सैमसंग का जो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, इसका भी डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं उसका कैमरा का। देखिए, उसका बैक साइड में आप लोग को ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन कैमरा आप लोग को देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आप लोग को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और उसका जो सेल्फी में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा, उसका सेल्फी कैमरा आप लोग को देखने को मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं उसका प्रोसेसर को लेकर। ठीक है, उसका जो प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सैमसंग X09611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं उसका बैटरी को लेकर। ठीक है, उसका जो बैटरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 6000 mAh की बड़ा बैटरी देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं उसका रैम को लेकर। ठीक है, उसका जो रैम आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस आप लोग को देखने को मिल जाएगा 15,499 रुपीज। जो लोग सैमसंग का शौकीन है, उन लोग इस मोबाइल को परचेज कर सकते हो। और उसके बाद बारे आते हैं थर्ड नंबर मोबाइल के, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा पोको की तरफ से, जो कि पोको M2 Pro। देखिए, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उसका डिस्प्ले को लेकर। देखिए, इसका डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसमें आपको HDR10 का भी सपोर्टेड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बारे आते हैं उसको कैमरा के। देखिए, उसका बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन कैमरा आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसका बारे आते उसका सेल्फी कैमरा के। ठीक है, उसका सेल्फी में आप लोग को 16 मेगापिक्सल का पांचोल कैमरा देखने को मिल जाएगा। और उसका बारे आते उसका प्रोसेसर को लेकर। ठीक है, उसका प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्रोसेसर आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाएगा।
और इसमें आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसमें आप लोगों को 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज रैम देखने को मिल जाएगा। उसके साथ प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आपको 14,999 रुपीज। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर मोबाइल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि आपको रियलमी की तरफ से, जो कि आपको रियलमी 7। देखिए इस रियलमी 7 में भी आपको बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उसका डिस्प्ले को लेकर। देखिए इसका डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उसको तो कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि इसका बैक साइड में आप लोग क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन कैमरा आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके साथ इसमें आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसका साथ इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और उसका जो प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो कि आपको मीडियाटेक हेलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं उसको बैटरी को। देखिए उसको जो बैटरी आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। और उसको तो रैम आप लोग को देखने को मिल जाएगा 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 14,999 रुपीज। और सबसे लास्ट में बारे आते हैं जो कि आपको रेडमी की तरफ से, जो कि आपको रेडमी नोट 9। देखिए इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उसका डिस्प्ले को लेकर। देखिए इसका डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और उसका जो बैक साइड में आप लोग क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन कैमरा आप लोग को 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और उसका सेल्फी में आप लोग को 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और उसका जो बैटरी आप लोग को देखने को मिल जाएगा 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। और उसका जो रैम आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस आप लोग को देखने को मिलेगा 14,999 रुपीज। इसमें से कौन सा मोबाइल आप लोग को अच्छा लगा, नहीं तो इसमें कौन सा फीचर्स आप लोग अच्छा लगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करना मत बोलना। और ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज हमेशा लाता रहता हूँ। आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।